जय श्री राधे, हर हर महादेव। मित्रों, आज की वीडियो हमने विशेष तौर पर वीरता पर बनाई है। एक ऐसा योद्धा जिसे हिमाचल प्रदेश में कमरुनाग और राजस्थान में खाटू श्याम के नाम से जानते हैं। प्रत्येक मानव अंतर में कोई ना कोई ऐसा वीर योद्धा जन्म लेता है, जो अपने स्वर्णिम कर्म ख्याति के कारण युगों युगों तक याद किया जाता है। ऐसे ही एक वीर अजय योद्धा बरवरीक, जिसे हिमाचल में कमरुनाग और राजस्थान में खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है। पूर्व जन्म में बरवरीक सूर्यवर्षा रतन यक्ष के नाम से यक्ष लोक के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से थे, परंतु देव सभा में अकारण एवं बल के गर्भ में चूर सूर्यवर्षा ने भगवान नारायण का उपहास उड़ाया था, जिससे क्रुद्ध होकर के ब्रह्मदेव ने सूर्यवर्षा को शाप दिया। हे सूर्यवर्षा, जाओ तुम दैत्य कुल में जन्म लो, और जिन भगवान नारायण का तुमने परिहास किया है उन्हीं के हाथों तुम्हारा वध होगा। पृथ्वी पर धर्म और अधर्म के बीच एक महाभयंकर युद्ध होगा। उस युद्ध से पूर्व भगवान नारायण के पूर्ण अवतार श्री कृष्ण जी तुमसे तुम्हारा शीश दान में ले लेंगे, यही तुम्हारे मृत्यु का कारण होगा। ब्रह्मदेव के शाप के कारण दुखी मन से सूर्यवर्षा ने भगवान नारायण से विनय किया कि मैं दैत्य कुल में जन्म नहीं लूंगा। नारायण ने कहा, हे सूर्यवर्षा, दिया गया श्राप टल तो सकता है नहीं, परंतु तुम दुखी मत हो, तुम्हारा जन्म श्रेष्ठ पांडव कुल में होगा, मैं स्वयं तुम्हारा उद्धार करूंगा। यही सूर्यवर्षा कालांतर में बरवरीक के नाम से जगत प्रसिद्ध हुए। देवी हिडिंबा से सुसंस्कार व भगवत भक्ति के सारे गुण ग्रहण किए। देवी हिडिंबा के आदेश अनुसार नवदुर्गा की उपासना की, उन्हीं से इन्हें तीन अक्षय दिव्य बाण प्राप्त हुए, जो लक्ष्य का भेदन करके तुनीर में फिर से स्वतः आ जाते थे। बरवरीक द्वापर युग का एक ऐसा युद्ध था, जो अपने तीन बाणों के बल से त्रिलोक्य पर भी विजय प्राप्त कर सकता था। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी की पर्वत शिखर पर कमरुनाग से विभूषित यही बरवरीक पूज्य हुए। यहाँ मंदिर के साथ प्राकृतिक झील भी विद्यमान है। यह झील समुद्र तल से लगभग 9,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। झील के किनारे पहाड़ी शैली में बनाया गया मंदिर है। यहाँ का विहंगम दृश्य देखते ही बनता है। श्रद्धालु जन दूर दूर से इस स्थान के दर्शन करने आते हैं। यहाँ पर कमरुनाग की बहुत बड़ी प्रतिमा है। झील में असंख्य अरबों का खजाना गड़ा हुआ है। श्रद्धालु इस झील में सिक्के, आभूषण इत्यादि मन्नत मनाने हेतु अर्पित करते हैं। मान्यता है कि कमरुनाग झील में सोना, चांदी और रुपए पैसे चढ़ाने की जो परंपरा है, सदियों पुरानी रही है। श्रद्धालु जन यहाँ अपनी मुरादें पूरी होने के बाद अपनी आस्था के चलते सोना, चांदी का चढ़ावा चढ़ाते आ रहे हैं। यहाँ इस झील में अरबों का खजाना समाया हुआ है। झील में पड़े खजाने की सुरक्षा स्वयं कमरुनाग देवता करते हैं। कहा जाता है कि एक बार एक आदमी ने झील से खजाने को चुराने का प्रयास किया। इसके लिए उसने झील के मुहाने पर छेद करके सारा पानी निकालने का प्रयास किया। कहा जाता है कि इस प्रयास में उस व्यक्ति की जान चलेगी। इसके अलावा एक बार एक चोर ने झील से खजाने की चोरी का प्रयास किया, बाद में उस चोर को पकड़ लिया गया। कहा जाता है कि इस घटना के बाद उसकी आंखें पूरी तरह से खराब हो गई। पौराणिक मान्यता यह भी है कि इस झील में पड़ा खजाना पांडवों की संपत्ति है।
जिसे उन्होंने कमरुनाग देवते को समर्पित कर दिया था। कहा जाता है कि एक बार मंडी में अंग्रेज अधिकारी ने सोचा कि इस झील में फेंके जाने वाले खजाने का प्रयोग क्यों ना राज्य की जरूरतों पर किया जाए। इसके लिए वह झील से खजाने को निकालने के लिए ऊपर झील की ओर आने लगा। कई लोगों ने उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसने स्थानीय राजा से भी राज्य की तरक्की की बात करके झील से खजाने को निकालने के लिए बात की और उन्होंने भी मना कर दिया था। कहा जाता है कि जैसे ही वह कमरुनाग के लिए निकला तो जोर की बारिश होने लगी, जिसके चलते उस अंग्रेज अधिकारी को रास्ते में ही रुकना पड़ा। बताया जाता है कि अपने निवास के दौरान उसने स्थानीय फल खाया, जिसे खाने से उसकी तबीयत और भी बिगड़ गई। इसके बाद उसकी तबीयत में लगातार गिरावट होती रही। हार करके अंग्रेज अधिकारी वापस इंग्लैंड लौट गया। पौराणिक मान्यता के अनुसार महाभारत का युद्ध जीतने के बाद पांडव, रतन, यक्ष, सूर्यवर्षा, जिन्हें महाभारत युद्ध से पहले श्री कृष्ण जी ने सुदर्शन से सिर काट दिया था, को एक पिटारे में लेकर के हिमालय की ओर जा रहे थे। तब से वे नलसर पहुंचे, जहां उन्हें एक आवाज सुनाई दी, जिसने उनसे उस पिटारे को एकांत स्थान पर ले जाने का निवेदन किया, जिसके बाद पांडव उस पिटारे को लेकर के कमरु घाटी गए। वहां एक चरवाहा को देख करके रतन यक्ष इतना प्रभावित हुआ कि उसने ही रुकने का निवेदन किया। कहा जाता है कि त्रेता युग में रतन यक्ष का जन्म उसी क्षेत्र में हुआ था। उसने पांडवों और उस भेड़ चालक को यह बताया कि उसका जन्म इसी स्थान पर हुआ था। तभी उसे जन्म देने वाली नारी नागों की पूजा करती थी। उसने उसके गर्भ से 9 पुत्रों के साथ जन्म लिया था। आगे रतन यक्ष बताते हैं कि उनकी माँ उन्हें एक पिटारे में रखती थी, परंतु एक दिन उनके यहाँ एक अतिथि महिला का आगमन हुआ। उसने वो पिटारा अपने हाथ में लेना चाहा, परंतु पिटारा हाथ से छूट गया। सभी सर्प वहाँ से भाग निकले, कुछ एक आग में जल गए, मगर रतन यक्ष अपनी जान बचाने के प्रयास में झील के किनारे छिप गए। बाद में उनकी माता ने उन्हें ढूंढ निकाला। राजस्थान में यही बर्बरीक खाटू श्याम के नाम से जगत पूज्य हुए। बर्बरीक ऐसे योद्धा हैं जो महाभारत का युद्ध मात्र एक क्षण में ही खत्म कर सकते थे। बर्बरीक जैसा योद्धा ना हुआ है ना ही होगा, जिसकी युद्ध कौशलता के देखते हुए भगवान श्री कृष्ण भी आश्चर्यचकित थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपना एक श्याम नाम बर्बरीक को दिया, जिससे वे खाटू श्याम नाम से जाने जाते हैं। हारे का सहारा, यही इनकी अटल प्रतिज्ञा है। बाबा खाटू श्याम सबकी मनोकामना पूर्ण करें। जय श्री राधे, हर हर महादेव।